एक आपसे बात समझना चाहेंगे, जब भी चुनाव आते हैं तो ये इस पार्टी से उस पार्टी और उस पार्टी से इस पार्टी, और खास तौर पर जो चुनाव जीत रही होती है पार्टी, माहौल जिसका होता है उस पार्टी में ज्यादा ज्वाइनिंग होती है। हाल ही में आपने कई ज्वाइनिंग, कई अफसर भी ज्वाइन हुए, कई नेता भी ज्वाइन हुए, हाल ही में आपने काफी जाट बड़े नेता भी ज्वाइन करे, आगे आने वाले दिनों में कौन आपके परिवार अभी में? तक देखिए 41 लोगों ने ज्वाइन किया, बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ। और अगर जिले स्तर पे देखें तो हजारों लोगों ने ज्वाइन किया, ज्योति मिर्धा ज्वाइन की, सुभाष बहरिया ज्वाइन किए, उसके साथ साथ 21 और कई पूर्व एमएलए जी ने भी ज्वाइन किया। ज्वाइनिंग की लिस्ट हमारे बहुत बड़ी है, हमारे हाथ लाइन लगी है, हमारे को 80 लोग प्रमुख लोग अभी और लिस्ट है 80 की, वो अभी ज्वाइन करना चाहते हैं भाजपा को, 80 लोग, और वो लिस्ट बढ़ती चली जा रही है, और कांग्रेस के तरफ तो कोई जा ही नहीं रहा है। तो जब आप देखिए जिस पार्टी की ओर हवा होती है उसी की तरफ आते हैं, और बहुत बड़ी लिस्ट हमारे पास। कांग्रेसी नेता हैं या दूसरी पार्टी के नेता हैं, या यंग चेहरे हैं, नए चेहरे हैं, क्या है? नहीं, देखिए समाज के विभिन्न वर्गों से भी, जैसे बैरवा समाज के प्रमुख आ गए, ऐसे एससी समाज के प्रमुख आ गए, बसपा से आए, कांग्रेस के कई पूर्व विधायक आए, कई हमारे भी थे जो घर वापसी हो गई, कई अधिकारी आए। आप उसको पूरा समग्र रूप से देखेंगे तो समाज के भी लोग ज्वाइन किए हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्वाइन किए हैं, उसी के साथ साथ अन्य राजनीतिक दल से लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए, लेकिन कांग्रेस से अधिक आए हैं। सर, कोई एक नाम जो अब आने वाले दिनों में आपकी पार्टी का सदस्य होंगे या आपकी भाजपा परिवार के सदस्य होंगे, कोई एक बड़ा नाम जिस पे फाइनल आपने फैसला ले लिया? मुझको लगता है कि 80 में जो नाम है सब बड़े नाम है, जब आपको ज्वाइनिंग होगी तो सब आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े नाम है, और ज्वाइनिंग के समय अवश्य रूप से आपको पता रहेगा, और बहुत जल्दी ज्वाइनिंग होगी, मतलब 3-4 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग दिखेगी।